और 2 दिन की यात्रा पर हैं प्रधानमंत्री मोदी। कई अहम समझौतों की उम्मीद है इस यात्रा के दौरान, और इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ एक खास मेहमान डॉक्टर वायल आवाज, जो सीनियर जर्नलिस्ट भी हैं और पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, डिस्टिंग्विश्ड एडवाइजर हैं वेस्ट एशिया में तिलोत्तमा फाउंडेशन के लिए। और डॉक्टर वायल आवाज, आपने ये तस्वीरें देखी, सीधे अमेरिका से वो कायरो में लैंड हुए हैं। अमेरिका में जो कुछ हुआ वो इतिहास बनता हमने देखा, अब एक नए देश में है, 2 दिन की यात्रा में है, वो इतना ही इम्पॉर्टेंट है। और कायरो इस वक्त कायरो में जो लैंड कर प्रधानमंत्री के जो कार्यक्रम हैं आज दिन भर और कल तक जो लगातार मुलाकात करते रहेंगे, किन मायनों में और किस लिहाज से ये अहम माना जा रहा है मिस्र की यात्रा? बहुत बहुत धन्यवाद आपकी, मेरे को आवाज सुन रहा था। ये हमारा सबसे पहले ये प्रधानमंत्री का इंडियन प्रधानमंत्री इन इजिप्ट विजिट थे सिंस 1997, और इसी विजिट में वो तो मोदी जी उसकी मतलब ये जो कोरोना का हिसाब हो गया तब तो विजिट पोस्टपोन हो गया, इसलिए इस इम्पोर्ट बहुत अहमियत है। दो चीज बहुत अहमियत है, एक ही सबसे बड़ी है इजिप्ट, ये सबसे बड़े अरब मुल्क है, सबसे बड़ी पॉपुलेशन है, और यहाँ पर अरब मुल्क भी है और अफ्रीकन देश भी है, मतलब ये जियो पोलिटिकल इम्पोर्टेंट बहुत अहमियत के लिए इंडिया के लिए, क्योंकि इंडिया आजकल के तो बहुत एक्सपैंड कर रहे, कैपिटल भी है, इन्वेस्टमेंट भी करा देंगे वहां पर, ईस्ट अफ्रीका, वेस्टर्न अफ्रीका, और इजिप्ट में कुड बी द हब सेंटर फॉर इंडियन गुड्स, अगर ये मतलब अफ्रीका के लिए या यूरोप के लिए। और दूसरी बात ये स्विस कनाल में जो वहां पर ये सबसे बड़ी ग्लोबल ट्रेड भी जा रहा है, और वहां पर तेल का ग्लोबल ट्रेड भी जा रहा है, मोर देन 8% ऑफ द ग्लोबल ट्रेड और मोर देन 14% ऑफ द ऑयल ट्रेड उसी स्विस कनाल में जा रहा है। तो अगर इंडिया कैन टेक अ फुट प्रिंट ऑन द स्विस कनाल भी है, उसकी ज्यादा अहमियत है, इसलिए इकोनॉमिक रिलेशनशिप बिटवीन द टू कंट्री बहुत बहुत अहमियत है। और तीसरी बात भी है, ये हम वी हैव टू कीप इन माइंड, ये दोनों सिविलाइजेशन है और कितना पुराना दोनों देश में, मतलब ये 5000 से 6000 के साल पुराना है और बहुत ताल्लुक है दोनों देश के लिए। उसी 5-7 साल पहले जब तक हमारा ये महात्मा गांधी जी और साद जगलूल है, उसी के वक्त में इंडिपेंडेंट दोनों देश इंडिपेंडेंट हो गया 5 दिन के बाद, ये बोस्ट इंडिपेंडेंट फ्रॉम द ब्रिटिश कॉलोनियल, उन्होंने मतलब ये नॉर्मलाइजेशन ऑफ रिलेशन और डिप्लोमेटिक रिलेशन इस्टेब्लिश किया था, लेकिन अप एंड डाउन उसका रिलेशन में काफी हो गया। इट वॉज ओनली ड्यूरिंग द नाम मूवमेंट में, नॉन अलाइन मूवमेंट, तो इंडिया और इजिप्ट में बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशन हो रहा, लेकिन अब आफ्टर द 90s थोड़ा कम हुआ, इसलिए इस विजिट बहुत अहमियत है। आई थिंक द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया विल मेक गुड ऑफ दिस विजिट, स्पेशली इन द इकोनॉमिक एंड पोलिटिकल, और काउंटर टेररिज्म मेजर भी बहुत जरूरी है इंडिया और इजिप्ट जी। मिस्र की राजधानी पहुंच चुके हैं, कायरो में है इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी और पीएम मोदी, 2 दिन के मिस्र के दौरे पर हैं। तो एक नजर उनका क्या क्या कार्यक्रम रहेगा आज और कल। भारतीय समय के मुताबिक आज रात करीब 8:30 बजे मिस्र के राष्ट्रपति के साथ उनकी राउंड टेबल बैठक है, 9:30 बजे वो भारतीय समुदाय के लोगों से वहां पर मुलाकात करने वाले हैं, करीब 10:30 बजे भारतीय समय के मुताबिक मिस्र के प्रमुख मुफ्ती से भी वो मिलेंगे, 11 बजे के करीब मिस्र के विचारकों से भी प्रधानमंत्री की मुलाकात होने वाली है, और कल भी वो काफी व्यस्त रहने वाले हैं वहां पर। कल 25 जून दोपहर से उनके बैठकों का दौर चालू होगा, जहां पर वो 11वीं सदी के अल हकीम मस्जिद जाएंगे और फिर करीब 1 बजे हेलियोपोलिस वॉर सेमेट्री में सैनिकों को वो श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे, और कल करीब 1:30 बजे, ये सब समय भारतीय समय के मुताबिक है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से करीब 1:30 बजे राष्ट्रपति अब्दुल फतह अल सीसी से द्विपक्षीय वार्ता भी होगी, और साथ ही सूचना प्रौद्योगिकी व्यापार कृषि क्षेत्र में समझौतों की उम्मीद है, कई रणनीतिक साझेदारी के कार्यक्रम पर भी हस्ताक्षर होंगे। समझौतों पर हस्ताक्षर के बाद प्रेस वार्ता भी रखी गई है, और करीब 5:30 बजे भारतीय समय के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी देश के लिए रवाना हो जाएंगे, यानी कि कल वो भारत लौट आएंगे। लेकिन डॉक्टर आवाज, जो हम बात कर रहे हैं, आपने ये लिस्ट सुनी, लगातार उनकी बैठकें हैं, स्ट्रेटेजिक मुद्दों पर होगी और कई और अहम मुद्दों पर होगी, लेकिन जिस तरह से हाल में यूएई और सऊदी अरेबिया के साथ
भारत के रिश्ते मजबूत हुए हैं और उसी कड़ी में इजिप्ट को लेकर अब भारत आगे बढ़ रहा है? देख, अगर हम लोग इंडिया इजिप्ट इंटरेस्ट होना चाहिए, बात करना चाहिए, वी शुड स्टिक टू दैट। अगर अमेरिकन एंगल भी मांग रहे तो अमेरिकन एंगल I2U2 जो अमेरिका एस्टेब्लिश किया था, दैट इज़राइल, इंडिया और यूनाइटेड स्टेट और UAE, तो ये इसका मकसद एक ही है, मतलब ये अल्टरनेटिव टू द चाइनीज रोड और बिल्ट जो उनकी BRI जो शी जिनपिंग वाले इनिशिएटिव, इसका मकसद ये इंडिया इफ दे कैन टेक द लिंक इंडिया सऊदी अरेबिया इजिप्ट के लिए और इसराइल और इजिप्ट के लिए इट इज बहुत अच्छा ट्रेड रूट है और इसकी दोनों फायदा भी है। तीसरा, ये इंडिया के लिए आजकल बहुत कैपिटल है, मतलब कैपिटल सरप्लस और इन्वेस्टमेंट के लिए इजिप्ट के लिए बहुत अहमियत है क्योंकि इजिप्ट इकोनॉमी इज नॉट वेरी स्ट्रांग, मतलब बहुत सख्त है, बहुत हार्डशिप है और इनकी बहुत इंपॉर्टेंट से इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। तो अगर इंडिया पूरा टेक फुल एडवांटेज ऑफ दिस, उसका विल बी वेरी गुड फॉर इंडिया पेट्रोकेमिकल, फॉर द फर्टिलाइजर्स, फॉर द यू नो इंडस्ट्री, फॉर सर्विस सेक्टर। तो इसलिए ये दोनों का बहुत बहुत अहमियत है एंड आई थिंक दैट ऑल्सो विल हेल्प द इजिप्शियन एंड द सऊदीज एंड द अरब कंट्री एज अ होल, क्योंकि इंडिया एंजॉय वेरी गुड रिलेशन विद ऑल द अरब कंट्री, बहुत मतलब ये सारे अरब मुल्क भी काफी इंडिया इज्जत रखा है, not only at this time but बहुत पुराना है, इसलिए इंडिया kept equal distance from the trouble in the Arab country और is a very good player for any future stability in the Middle East or West Asia. जी, जो लिस्ट हमें मिली है, जो मुलाकातों का दौर होगा डॉक्टर आवाद, उसमें आईटी क्षेत्र में, व्यापार में, कृषि के क्षेत्र में, फार्मिंग सेक्टर में कई अहम फैसले, कई अहम समझौतों पर हस्ताक्षर हो सकते हैं, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं आपको लगता है जहां पर इन दोनों देशों की साझेदारी से और ज्यादा मजबूती आएगी? इकोनॉमिक जोन इंडिया के लिए स्विस कैनाल बहुत अहमियत है, दूसरी बात सर्विस वाली सेक्टर बहुत भी अहमियत है और आईटी सेक्टर भी स्ट्रांग भी है, क्योंकि देख लो आजकल का जो 7.2 जो ट्रेड बायलैटरल ट्रेड $7.2 बिलियन इंडिया और इजिप्ट में, और उनका टारगेट है $12 बिलियन विद 2027। तो अगर ये इंडिया इन्वेस्टमेंट शुरू होने वाले वहां पर है, इट विल बी अ गुड सेक्टर, क्योंकि इंडियन गुड्स ऑल्सो बेच सकते वहां पर। इजिप्ट ने आप समझ दो 100 मिलियन पॉपुलेशन, तो अगर ये लोकल सेल भी बहुत अच्छा के लिए इंडियन प्रोडक्ट्स, इसलिए जितना इंडियन प्रोडक्ट्स बन जाते वहां पर, ज्वाइंट वेंचर भी है, मिलिट्री ज्वाइंट वेंचर भी है, प्रोडक्शन भी है, क्योंकि दोनों देश में तो सोवियत यूनियन का मतलब ये उनका आर्सेनल भी है, अगर स्पेयर पार्ट भी बन जाते इट इज गुड नॉट ओनली फॉर इजिप्ट मार्केट और इंडिया मार्केट, अफ्रीकन भी बहुत मतलब ऑर्डर भी आ जाएंगी एंड आई थिंक दैट इज ऑल्सो इंडियन इनिशिएटिव टू मेक इन इंडिया, उसके बहुत फायदा के लिए मेक इन इंडिया एंड मेक इन इजिप्ट एज वेल। जी, एक छोटा सा सवाल चलते चलते डॉक्टर वाद, कल कुछ सिंबॉलिक विजिट्स भी हैं प्रधानमंत्री के, वो अल हकीम मस्जिद जाएंगे और साथ ही हेलियोपोलिस वॉर सेमेट्री में सैनिकों को श्रद्धांजलि देंगे, अगर इन दोनों चीजों के बारे में आप कुछ रोशनी डाल सकें तो? सिंबॉलिक में आजकल क्योंकि इंडियन रिप्यूटेशन इतना अरब मुल्क में इतना बढ़िया नहीं है, मैं सीधा सीधे बात करके, क्योंकि देर आर लट्स ऑफ वायोलेशन, ये तो बहुत रिपोर्ट कर रहा है अरब मुल्क में, कोई एंटी इंडिया न्यूज भी आती बहुत है, इसलिए आई थिंक दिस विल क्लियर द इमेज ऑफ इंडिया एज अ सिक्युलर, एज अ मल्टी एथनिक, मल्टी ग्रुप, एज द प्राइम मिनिस्टर वॉज सेइंग इन यूनाइटेड स्टेट, और वहां पर अरब मुल्क में एक चुट्टी भी दे सकती है, इट इज अ लेटर मैसेज टू द अरब मुल्क में दैट इंडिया एज वी नो इट बिफोर, जैसे पहले हम लोग जानते हो, इट इज रिमेन द सेम। जी, बहुत शुक्रिया इस चर्चा के लिए और इस यात्रा की अहमियत को समझाने के लिए डॉक्टर आवाद। और प्रधानमंत्री मोदी अब से कुछ देर पहले इजिप्ट की राजधानी कायरो में लैंड कर चुके हैं, आज उनका लंबा चौड़ा कार्यक्रम भी है, कई बैठकों का दौर चलेगा और कल भी वो मिस्र में रहेंगे और कल भी बैठक होंगी और कई समझौतों पर हस्ताक्षर भी होने वाले हैं।